जल्दी इधर साइड में एडजस्ट हो जाओ बाबू बीच वाले में बैठ जाओ ऐसे नीचे बैठ जाओ बीच में से हाँ जो गेट के पास हो गधो यहां बीच में आके जल्दी बैठो हाँ बीच आओ बैठो ऐसे यार हाँ। वहीं से बैठ जाओ नीचे टीवी बचा के नहीं तो पा... देखो फोड़ेगा ही मुड़िया एक रास्ता छोड़ के बैठ गधा पढ़े लिखे कोई फायदा ही नहीं है तो बैठ गया गलिया में लाइन से एक एक लाइन बना के बैठो ये किसका गाड़ी गिर गया किसी की गाड़ी टूट गई गिरने पे टूटता है कि नहीं जी सब लोग को गुड मॉर्निंग हिंदी में लिख रहा है गुड मॉर्निंग ऐसे लिखता है गुड <laughs> गदा लोग बैठना है तो जल्दी बैठो इसे एक सीध में जल्दी एडजस्ट हो जाओ हो गया लोग हल्ला नहीं किया करो लोग बाकी अगल बगल में है लोग रहते हैं इधर उधर मोहल्ला वाला उस सबको डिस्टरबेंस होगा ज्यादा डिस्टरबेंस होगा हमारी एक लिमिटेशन है ऑफलाइन क्लास की फिर सबको ऑनलाइन शिफ्ट कर देंगे तो आप लोग ठीक ठाक कर कीजिए लड़की सब झगड़ा कर ली थी जो साफ ऑफिस साफ करने आती है उससे <laughs> पीट पाट देगी उसको शांत हो जाएगी जो यहाँ जो वर्क, वर्क करता है कम से कम उसको तो सही जरा करो आप लोग का ऑफिस गंदा रहता है वही भी साफ करती है उससे कोनों झगड़ा कर ली हमसे कह रही थे हम कहीं हम दो दो। थोड़े समझाने चाहेंगे चलिए वो कल हम आपको श्वसन पढ़ा रहे थे श्वसन पढ़ा रहे थे ना श्वसन की क्रिया देखिए जो हम सांस लेते हैं ना इसका मेन काम होता है ऊर्जा बनाना सांस लेने से कोई जिंदा उंदा थोड़े रहता है फेफड़ा में सांस गया ये हमारा मेन काम नहीं है मेन काम है हमें सांस को कहां तक पहुंचाना है ब्लड तक अब ब्लड में कहां माइक्रोकांड ब्लड में mytro -candria. Mytro -candria. किसी को कोई दिक्कत आगे बढ़ जाए ब्लड में माइट्रोकांडिया तक सांस सांस को जो है उसके ब्लड के माइक्रोकांडिया तक ले जाना होता है था. जब हम सांस लेते हैं तो इससे हमें क्या बनता है ऊर्जा बनता है ये ऊर्जा बनाता कौन है माइक्रोकांड हमारी सांस पहले कहाँ तक जाती है फेफड़ा तक फेफड़ा से ब्लड इसे कहाँ ले जाता है माइटोकांड्रिया माइट्रोकांडिया क्या ले लेता है ऑक्सीजन कौन सा साइकिल चलाएगा क्रैप साइकिल क्या बनाएगा ए टी पी अड़तीस ए टी पी मिलकर ग्लूकोज इस पूरे प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलेगी सी ओ टू कौन सी गैस निकले इसे तो वापस ब्लड आएगा तो क्या लाएगा सी ओ टू उस सी ओ टू को कहाँ छोड़ेगा फेफड़ा में और यहाँ वापस ले जाएगा ऑक्सीजन वापस ले जाएगा ऑक्सीजन और ये सीओ टू नाक के रास्ते कहाँ चली जाएगी वाह सीओ टू एक गर्म गैस है सीओ टू कैसी गैस है इसलिए सांस छोड़िएगा तो आपको हल्का गर्म का एहसास होगा समझ में आ कि नहीं आएगा सांस चलने से ही शरीर गर्म रहता है हमारे शरीर में 120 ब्लड जो जा रहा है कितने के प्रेशर से जा रहा है एक सौ आता कितना से अस्सी किसी भी बॉल को अगर हम फेंकेंगे ऐसे दीवार से टकराएंगे तो जाएगा तो तेज आएगा धीमा जाता कितने प्रेशर पे 120 आता कितने प्रेशर एक बटा अस्सी कोई दिक्कत है किसी को आप लोग कोई दिक्कत नहीं ना नीचे बैठे हैं लोग कोई दिक्कत नहीं है एडजस्ट कर लिया कीजिए हल्ला गुल्ला नहीं करना करो समझ में आ गया कि नहीं आ गया तुमको काला खांसी किधर गया अ जो बैठे रहते हैं ना क्लास के खत्म होने के बाद चक्कर पकड़ मत किया करो लोग यहीं बैठे रहो नहीं तो बाहर गए तो बाहर ही रह जाओगे सांस चलने से हमारे शरीर में उष्मा बनती है कि नहीं जिस दिन यह सांस रुकेगा ना उस दिन उष्मा बनना बंद हो जाए इसलिए लाश को छू के देखिएगा ठंडा लगेगा आपके घर में अगर किसी बाबा दादा का देहांत हुआ हो तो आप लाश छू के देखिएगा क्या हो जाएगा ठंडा हो जाए और वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी ऊर्जा खत्म होगी न हड्डी मुड़ेगा न नस मुड़ेगी सबको मोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं कुछ नहीं मुड़ेगा आधा एक घंटा तक मुड़ेगा उसके बाद पूरा टाइट हो जाएगा मुड़वे नहीं करेगा लाश बहुत ठंडा हो जाता है और जैसे ही ठंडा हो जाएगा अगल बगल के चींटी वगैरह को पता चल जाएगा ये ठंडा गये गया समझ में आ गया कि नहीं गया चींटी उटी खाना चालू कर देती है सब समझ में आ गया कि नहीं गया एक दिन हम सोए थे ऐसे गर्मी के दिन था तो हमको चारों से चींटी घेर थी हम उठ के भगाए गए भगया से। मजाक समझ गए उठ के भगाए उसको तब चली गए जिंदा सब तो खुश थी बाप रे बहुत दिन बहुत चलते हम तो पता है मरने के बाद लास्ट ठंडी हो जाती है कि नहीं, नहीं। किसी को दिक्कत देखिए ब्लड अंदर जो होता है कितने के प्रेशर से जाता है लौटता है तो ये 120 सौ बीस बाई अस्सी पे जाता है जब ये ब्लड रुक जाएगा तो उसमें भी बनना खत्म हो जाएगा साथ ही साथ हमारे ऊपर हवाओं का प्रेशर होता है और इस प्रेशर को हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर ढकेलता है कितने की स्पीड से ढकेलता है एक तो ऊपर से लगने वाले प्रेशर को हमारे अंदर लगने वाला ब्लड प्रेशर काउंटर कर देता है कि नहीं कर देता काउंटर कर देता है इसलिए हम आराम से चल पाते हैं क्या हो जाता है आराम से चल पाते हैं क्योंकि ऊपर से जो हवाएं प्रेशर लगा रही हैं अंदर से क्या लगा दे रहा है ब्लड प्रेशर लगा दे रहा है तो दोनों प्रेशर काउंटर हो जाता है जैसे हमको अगर इधर से कोई ढकेले कोई इधर से भी ढकेल देता बराबर हो जाएगा कि नहीं बराबर उसी तरह बाहर से जो हवाओं का प्रेशर रहता है अंदर से क्या रहता है ब्लड का प्रेशर ये दोनों प्रेशर एक दूसरे को क्या करते हैं न्यूट्रल कर देते हैं लेकिन मरने के बाद सांस क्या हो जाता है रुक जाता है। जब सांस ही रुक गया तो फेफड़ा में हवा आएगा तो ब्लड किसको लेने आएगा लेने ही नहीं आएगा तो हवाओं का जो प्रेशर था उसे न्यूट्रल कौन कर रहा था ब्लड ब्लड का भी प्रेशर बंद हो गया तो हमारे शरीर पर केवल किसका प्रेशर काम करेगा हवाओं का तो लाश भारी होगी कि हल्की भारी हो जाए तो लाश क्या आ जाती है भारी हो जाएगी में आ जाएगी नहीं लाश भारी हो जाता उसके बाद आदमी उसको लेके चला जाता है में आ गया कि नहीं आ गया, लाश उस लेके चला जाता है आदमी अब जो भी जैसा भी उन लोग का धार्मिक संस्कार हो अंतिम उस हिसाब से कर देता है तो बताइए हमारा शरीर किस लिए गर्म रहता है सांस लेते तो उसे ब्लड आता जाता है इसलिए वहाँ घर्षण की वजह से क्या होती है ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है सांस लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं अंदर जाने और छोड़ने को निःश्वसन क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे स्वाक। साक्षो श्वास साक्षोश्वास का मतलब होता है सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना सांस अंदर जाता है तो उसे कहते हैं निःशन क्या कहेंगे निःश्वसन श्वसन क्या कहेंगे नी श्वसन अब बाहर छोड़ेंगे तो निश्वसन बाहर छोड़ेंगे बाहर छोड़ेंगे इसे कहेंगे इनहेलेशन इनहेलेशन इसे क्या कहेंगे गया कि नहीं आ गया इसे क्या कहेंगे ब्रीदिंग क्या कहेंगे ब्रीदिंग सांस लेने की सांस लेना एक बहुत छोटा प्रक्रिया है फेपड़ा में हवा गया बाहर निकल गया श्वसन खत्म लेकिन ये स्वाच्छो श्वास खत्म लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक पूरी प्रक्रिया होती है यहाँ पे तो नी श्वसन समझ आ गया कि नहीं आ गया किसी कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े सांस लेंगे तो ही ऊर्जा बनेगा क्योंकि ऊर्जा बनाने वाले माइट्रोकांडिया को किसकी जरूरत है ऑक्सीजन की जरूरत किसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन की जरूरत है यहाँ देखिए हम सांस जो अंदर ले जाते हैं वो हम उसी हवा को ले जाएंगे जो हवा हमारे अगल बगल में है हमारे अगल बगल की हवा में सेवेंटी एट परसेंट क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना परसेंट सेवेंटी एट परसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेवेंटी वन ऑक्सीजन सीओ टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो तो निश्वसन में हम इन्हीं हवाओं को ले जाते हैं अब आप बताइए ये सारी की सारी हवाएं कहां पहुंच गई फेफड़ा में कहा पहुंच गई फेफड़ा और जब इसे वापस किया जाता है तो क्या यही हवा निकलेगा नाइट्रोजन जैसे था वैसे बाहर चला जाता है सेवेंटी एट का सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन जस का नाइट्रोजन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। चेंजिंग इन्हीं दोनों में होता है समझ समझा गया कि नहीं ऑक्सीजन 21 परसेंट ऑक्सीजन में 4 परसेंट ऑक्सीजन को रख लिया जाता है तो 4 परसेंट रखिएगा तो ऑक्सीजन कितना लौटेगा लगभग सत्रह लगभग सत्रह परसेंट सत्रह परसेंट ही ऑक्सीजन लौटता है और वह किस में जोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जीरो परसेंट था देखिए ना जीरो पॉइंट जीरो थ्री मतलब लगभग जीरो परसेंट तो यहाँ चार परसेंट जो है इसे चार परसेंट में जोड़ दीजिए यह दसमलों में वैल्यू होता है आपको याद नहीं रहेगा सीधे याद रखिएगा ऑक्सीजन जितना गया था उसका चार परसेंट कम हो जाएगा और सी टू जितना गया था उसका चार परसेंट बढ़ जाएगा तो निःश्वसन में तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है इनहेलेशन में कि जो हवा में अवेलेबल है वही हम लोग क्या करेंगे लेंगे और ये वाला है कि अंदर जो रिएक्शन हुए थे सब ऊर्जा बनने के बाद उसके फलस्वरूप हमारा सी टू और ऑक्सीजन क्या हो गया था एक्सचेंज हो गया था सी टू और ऑक्सीजन क्या हो गया एक्सचेंज हो गया तो ये निःश्वसन समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब श्वसन के लिए जो रास्ते होते हैं उसे हम कहेंगे श्वसन मार्ग श्वसन मार्ग मार्ग मतलब रास्ता ट्रैक रेस्पिरेटरी ट्रैक श्वसन मार्ग और एक होता है श्वसन अंग हमारा श्वसन मार्ग है नाक और श्वसन अंग है फेफड़ा नाक बंद भी कर देंगे तो मुंह से सांस ले लेंगे तो श्वसन मार्ग बंद हो गया तो दिक्कत नहीं है श्वसन अंग बंद हुआ तो खत्म कहानी कोरोना में सबका श्वसन मार्ग खुला था बंद हो गया क्या जी श्वसन अंग बहुत भयानक बीमारी थी कोरोना कितना लोगों का घर उजाड़ दिया कोरोना और कितने लोगों का बिजनेस वगैरह सब चौपट कर दिया लेकिन एक चीज़ नहीं चौपट दो चीज़ें एजुकेशन और हेल्थ तो आप लोग तो एजुकेशन सेक्टर के ही हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यकीन मानिए कई लोग कहते हैं कि सब लोग नौकरी करेंगे क्या अगर पढ़ा लिखा इंसान भीख भी मांगता है तो बहुत दिन तक नहीं मांगेगा वो बहुत दिन तक वो नहीं मांगेगा पढ़ा लिखा इंसान अगर गिर गया है ना तो उस शिक्षा उसे खड़ा होना सिखा देती है पढ़ाई लिखाई जरूरी है लेकिन केवल नौकरी के लिए यह नहीं है नौकरी जीने के लिए एक हिस्सा है तो पढ़ लिख के ले लीजिएगा नौकरी तो क्या खराबी है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि श्वसन अंग क्या देखते हैं श्वसन अंग श्वसन अंग रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑर्गन, श्वसन अंग बताइए हम लोग हैं अस्तनधारी 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 श्वसन किसे करते हैं लंग्स से किसे लंग्स से फेफड़ा से किससे का लेते हैं हम लोग फेफड़ा से नाक हमारा क्या है श्वसन मार्ग है बात कर रहे थे जब पढ़ा रहे थे तो मतलब आपका कहना है कि गया है जीरो पॉइंट जीरो थ्री तो उतने निकल जाना चाहिए ऑक्सीजन नहीं घटा दिख रहा आपको ऑक्सीजन घटा है तो वो कहां चला गया सीओ टू में कार्बन डाइऑक्साइड में जब ऊर्जा बनता है ना तो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में रहता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स पूरे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है ऑक्सीजन है ये पूरे रिएक्शन होते रहता है जिसे हम लोग साइकिल कहते हैं क्या कहेंगे साइकिल चलता क्रेपसाइकल कहा माइक्रोकार अड़तीस ए टीपी बनते हैं फिर ग्लूकोज बनेंगे उसी सब में ऑक्सीजन की क्या हो जाता है खर्चा हो जाता है क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा और ये पूरी क्रिया में कौन सी गैस निकलती है सी ऑक्सीजन घट रहा है सीओ बढ़ रहा है पढ़ा ये तो बताए ना अभी सुतल था वो ध्यान नहीं लड़का सब करना पढ़ते पढ़ते ध्यान भटक जाता और इस तरीका फिर याद आता ना 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 सर मना किया था हा? हमेशा चल जाता है <laughs> देखिए मतलब कभी कभी पढ़ाई की ओर आता है और हमेशा इधर उधर ध्यान चल जाता है आगे देखा जाए अस्तनधारी किससे सांस लेता है <laughs> देखिए अस्तन उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को क्या करते हैं दूध पिलाते है। कि गाय भैंस अस्तनधारी बकरी अस्तन धारी संघना केारी कि सांस लेते हैं फेफड़े से सांस पक्षी फेफड़ा से ही सांस पक्षी भी किसे सांस लेते हैं फे... पक्षी फेफड़ा से ऐसे सेम टू यू कर दे बार बार कौन लिखेगा ऐसे सेम टू यू कर देते समझ पक्षी भी किसे सांस लेते हैं बड़ा से सांस लेते हैं आगे बढ़े मछली मछली अब ध्यान से समझिए फेफड़ा की खासियत होती है कि हवा में से हवा में से सीओ टू को छांट देना नाइट्रोजन को छांट देना और उसमें से ऑक्सीजन को ले ले। ये किसकी क्वालिटी होती है फेफड़ा किस की किसकी फेफड़ा की लेकिन जब फेफड़ा में पानी भर जाता है तो फेफड़े काम नहीं करता है समझ समझा गया तो गलफड़ जो होता है ना ये गलफड़ मछली का देखे गलफड़ गल तो ये गलफड़ का काम होता है कि हवा में से नाइट्रोजन छाट दे सीओ जितना भी गैस है छाट दे उसमें से क्या ले ले ऑक्सीजन चाहिए सबको ऑक्सीजन मछली को भी ऑक्सीजन मानव को भी ऑक्सीजन लेकिन हम लोग का फेफड़ा हवा में उपस्थित जो भी गैस है उसमें सारी गैसों को छाट के क्या ले लेता है लेकिन फेफड़ा पानी में काम नहीं कर सकता है समझा गया कि नहीं लेकिन जो गलफड़ होता है वो पानी में से पा, पानी लेगा लेगा क्या जी पानी और उसमें से ऑक्सीजन निकाल के बाकी पानी छोड़ देगा हम लोग गैस लेते हैं हवा हम लोग हवा लेते हैं सारा छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे केवल क्या लेते हैं तो हर चीज का अपना अलग अलग काम है फेफड़ा भी वही काम कर रहा है कि अन्य तरह के गैसों को लेके केवल क्या, क्या यूज में क्या ले रहा है ऑक्सीजन और वही सेम काम कौन कर रहा है मछली का अंतर यह है कि फेफड़ा हवा में काम कर सकता है और गलफड़ पानी में काम कर सकता है तो बताइए मछली का श्वसन मार्ग कौन सा होता कौन सा होता फेफड़ा जिसे गिल्स गलफड़ कुलोम कुलोम भी कहते हैं संघा क्या कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत अब उसको रास्ता दे दीजिए वो चली जाइएगा बबनी ट जाओ अब तो उतना गर्मी के दिन चला गया मतलब ठंडी में भी बेहोश होते हैं लोग ए, कौन बोलता है खड़ा हो तो बाबू बाबू आराम से खड़ा कर दो उसको पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा हम बता रहे हैं बीच में कौन बोला है आप नहीं बताएंगे लोग हम पूरा लड़का को खाली कर देंगे खड़ा हो जाओ आराम से खड़े हो जाओ बाबू जितना देर लगाओगे उतने ज्यादा सजा देंगे खड़े हो कौन बोला था खड़ा करो उसको अपने से हो जाओ बाबू अपने से तुम ही था ना नीला सर खड़ा हो तुम्हारे आगे तुम ही था नहीं था तुम कौन बोला बाबू तुम लोग को दस बार समझाए बीच में नहीं बोला करो पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा इसलिए याद रखना है कौन था जी हाँ बैठना खड़ा खड़ा तो चश्मा वाला वो गेट खोलिए वो गेट खोलिए गेट खोलो चलो निकलो लो तुम लोग वहां से ना जितना इधर से है लोग सब लोग निकलो यहां से यहां से बैठो निकलो सब लोग अरे तो तुम लोग का तुम लोग को पता नहीं है तुम्हारे बगल में बैठ के कोई नौटंकी करेगा सब चलो। वहां से खींचो बाहर चल बाहर खींचो उधर निकलो जब हम बीस बार बताएं कि क्लास में डिसिप्लिन आप सबको करना है तो सबको डिसिप्लिन फॉलो करना नहीं तो सब निकलेगा लोग जल्दी निकलना चालू कर सबको निकालो ना उधर से ए टू जेड इधर कोई नहीं रहना चाहिए सब निकलेगा यहां से सब इधर से निकल बेंच पे जो बैठे हैं लोग जल्दी निकलो हां सब लोग नहीं किया हमको भी पता है पूरा डिसिप्लिन सारे क्लास की जिम्मेदारी है हाँ सबको निकल जल्दी कॉपी किताब फेंको सबका क्लास को अगर चलाना चाहते हैं तो सबकी जिम्मेदारी है बीच में से कोई बोलेगा उसके बाद कहिएगा हम नहीं देखे थे तो हम भी नहीं देखे थे हमारे नजर में सब बोला था ई लोग को ये देखता है कि हमरे पे गुस्सा आ जाएगा तो देखो तुम लोग घर जाइए आप लोग ठीक है तो पूरा यहां से वहां उस गेट तक अगले दिन आइएगा तो डिसिप्लिन से ठीक है उधर तो यहां से निकल जल्दी इधर वाला छोड़ देना बट जाओ वहां पे उठ जाओ बाकी लोग इधर बेंच पे बैठ जाओ तुम लोग निकलो पूरा एक दिन जाओ घर पे क्या गेट बंद कर दो गेट बंद कर दो तुम लोग बैठ नहीं यहीं बैठ पंद्रह बीस मिनट बर्बाद हो गया लाइव वाला कर रहा है क्या हो गया अब मेरा डंटवा कहाँ है अब बैठ जा लोग बीच में आप लोग होता है बाबू जब कभी भी आपकी उत्पत्ति में पड़ोसी का योगदान हो जाता है ना तो संस्कार भूल जाता है तो ये आपकी गलती नहीं है ये योगदान है तो ये सब चीजों किसे बचा कीजिए आप लोग समझा ये यही सब थोड़ा थोड़ा जो चीज़ होती है ना जब बाहर जाइएगा ना लोग पूरे बिहारियों को सुनाते हैं थोड़े थोड़े गलती की वजह से पूरे बिहारी लोग को सुनाते हैं इसलिए आप किसी भी बेंच पे बैठे हैं याद रखिएगा अगल बगल वाला अगर आपको हल्ला कर रहा है आप उसको करप्शन कहाँ से चालू होता है यहीं से आप अपने बगल में बैठे लड़का के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं और इसी लड़का को कहिएगा ना तो गांधी जी को घर आएगा जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बोल दिया था आपको अगर क्लास चाहते हैं अच्छे से चले तो आप सब लोग क्लास को अच्छे से मेंटेन करके रखिए वरना हमें कुछ नहीं जाता हम बता रहे ना कि अगर बहुत ज्यादा जिस दिन अनडिसिप्लिन होगा ना उस दिन सबको ऑनलाइन भेज देंगे आपको पता है कि हमको कभी मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखा कभी नहीं देखिए भाव मछली किसे सांस लेती है किसे सांस लेती है गलपड़ से गलपड़ का काम क्या होता है पानी में घुले ऑक्सीजन को अलग कर देना फेफड़ा का काम क्या होता है हवा में घुले ऑक्सीजन को अलग कर लेना समझ में आ आ गया कि नहीं हवा में घुले ऑक्सीजन को अलग कर लेना तो किसे सांस लेगा लंग पक्षी मछली गिल से सांस लेती मेनली यही होते हैं सब अब कई अलग अलग जानवर है जैसे जितने कीट होते हैं कीट कीट सब कीड़े मकोड़े कीट ये ट्रेकिया से सांस लेते हैं किसे सांस लेते हैं ट्रैकिया से सांस लेते हैं इसे सांस लेंगे ट्रैकिया से ट्रैकिया क्या होता है हम लोग भी कभी कभी ट्रैकिया से सांस लेते हैं जब हम जब कोई आदमी बहुत बीमार पड़ जाता है ना तो उसके नाक से सांस नहीं जा पाता है या गले का ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर यहाँ एक छेद कर देता है यहाँ एक यहाँ एक चमड़ा काटेगा यहां का चमड़ा यहाँ का मांस काटेगा यहाँ से पाइप गिरा है जो सांस वाली पाइप उसको बाहर खींचेगा और उसमें एक कट लगाएगा उसमें जो बायोलॉजिकल टेप आते हैं उनका अपना टेप उसे चिपका देगा। तो यहां एक वो लटकते रह गए आ गया और ऊपर से इधर से ऑपरेशन कर देगा अपना जो भी ऑपरेशन करना होगा यहाँ से कर देता है आ गया किसी को दिक्कत और वो व्यक्ति का जब तक ऑपरेशन सही नहीं हो जाता तब तक इसी से सांस लेता यही होता है ट्रेकिया क्या होता है ट्रेकिंग क्या नहीं नाक से नाक से क्या मतलब नाक से सांस लेकर सांस जाएगा ही नहीं सांस आप नाक से तभी लेते हैं जब फेफड़ा बोलता है मुंह से खा, खा सकते हैं ट्रैकिया को तो यहां दो ठो पाइप होती है एक सांस वाली अलग होती है खाना वाली अलग होती है। तो खा सकता है खाना वाला थोड़ी गया है हाँ देखिए सांस जब भी आप लेते हैं ना तो नाक सांस नहीं लेता है फेफड़ा उसको खींचता है तो फेफड़ा जब खींचेगा तो उसको सबसे शॉर्टकट रास्ता यही मिल जाएगा यहीं से खींच लेगा नाक को काम ही नहीं करना पड़ेगा नाक को खींचता है सक्शन पाइप से उधर प्रेशर से तो ही नाक से सांस लेता तो नाक से सांस ही नहीं लेगा और ऐसा आदमी जब खखारता है ना तो उसके यहाँ से बलगम निकलता है यहाँ से रुमाल दे देता है डॉक्टर साफ करने के लिए साफ कर उसे साफ करता रहता है ऐसे साफ करेगा वहां पर समझ आ गया कि नहीं अरे भर जाएगा तो ऐसे 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 अरे हमारे गले का ऑपरेशन हुआ था ना हमारे बगल में एक कोई बूढ़े से थे उनका उनका भी ऑपरेशन हुआ था हमारा तो नॉर्मल था ऑपरेशन मेरा एक नस हटाना था यहाँ तो मेरा भी कर... तो, तो जब ऑपरेशन होता है ना तो मरीज एक जैसे मरीज को एक पास रखा जाता है क्योंकि हमारा हुआ था ई डिपार्टमेंट में जिसमें आँख का नाक नाक कान गला होता होता है ई डिपार्टमेंट में तो उसमें था उसमें जो भी मरीज थे हमारे टाइप के थे तो हमारा गला था बगल में उन्हीं के में ये लगा हुआ था तो हम देख रहे थे कि भाई वो बहुत दिक्कत है यहाँ पे लेकिन वो बात तो अच्छे से कर रहे थे तो कीड़े मकोड़े किसे सांस लेते हैं ट्रेकिया इसे श्वास श्वास सांस नली 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 कहते हैं स्वास नली। स्वास नली। क्या कहा जाता है श्वास नली कहा जाता है में आ रहा है क्या कहेंगे श्वास नली अस्तारी सांस लेते हैं पक्षी फिश कीटे ट्रेकिया से किसे ट्रेकिया इसलिए किसी भी कीड़े मकोड़े का अगर आप गर्दन काट देंगे तो नहीं मरेगा वो जैसे कॉकरोच कॉकरोच सांस लेता है अगर किसी कॉकरोच का गर्दन काट देंगे तो मरेगा ही नहीं क्योंकि उसका ब्रेन जो होता है वो काम नहीं करता है जानवर का ब्रेन की जगह स्पाइनल कॉर्ड काम करता है सर और उसका गर्दन काट देंगे कभी नहीं मरेगा नौ दस दिन बाद मरेगा भूख से क्योंकि खाएगा कहां से वो गर्दन का सांस तो ले लेगा कहां से ट्रेकिया से बट खाएगा कहां से खाने के लिए भी तो जरूरत होती है तो खा नहीं पाएगा इसलिए मर जाएगा मेढक एक ऐसा चीज होता है मेढक केचुआ वगैरह त्वचा से ले लेते हैं। किसे ले लेते हैं त्वचा से, ले से। मेढक होता है ना मेढक <laughs> अरे मेढक या बेंग या फ्रॉग इसी को ना मेढक बोलते हैं बेंगचा बचपन में कहते थे जब बेंग मार तो बिया में बारात में पानी बरसे कैसे कान पक जाएगा कान पकेगा कुछ लोग कहते हैं कि बेढक मार देने से ना गूंगी पत्नी मिल जाती है ऐसा अलग अलग एरिया में अलग अलग कहावत है समझ आ गया, गया कि नहीं आ गया किसी को दिक्कत आप वो नहीं समझ में आ रहा है चलिए ध्यान देते हैं आप फिर प्लान बनाई क्या हीरो ने कहा अब नहीं रोएगी

टेडपोल अवस्था में ये मछली की तरह होता है अतः तो ये सांस लेता है उस समय गील्स से जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसका गील्स खत्म होते जाता है इसका गील्स क्या हो जाता है खत्म हो जाता है यहाँ से गिल्स जो था गलफड़ ये शरीर में सट गया इसका शक्ल कैसा हो जाता है मेढक की तरह शरीर कैसा हो जाता है मेढक की तरह तो जब ये बड़ा होकर मेढक बनता है तब ये सांस किससे लेता है लंग्स से किससे सांस लेता है लंग्स किसे लंग से सांस लेगा लंग्स से इसलिए मेढक को जब भी देखिएगा वो उसका गलफड़ नहीं होता है इसलिए पानी में रहेगा और थुथ्रुआ बाहर निकलना रहेगा सांस लेते रहता है मारिएगा ना तो भाग जाएगा अंदर सांस रोक के अंदर चला जाता है हर व्यक्ति के सांस रोकने की क्षमता अलग होती है जो बालू निकालते हैं लोग ना नदी में से देखिएगा दो दो मिनट पाँच पांच, पांच मिनट तक सांस रोक लेता है अब तसला लेके नदी में उतर के नदी के तलहटी पे बैठ के उसमें बालू भरता है फिर माथा पे रख के तैर के बाहर निकलता है, बालू भरता है जिसको आप आराम से ले लेते हैं। नहीं है बालू दहता नहीं है ज्यादा रहता है हंड्रेड परसेंट थोड़े बह जाएगा भारी होता है ना बालू तो भीगा हुआ रहता है तो बैठ जाता है निकालेगा हंड्रेड परसेंट तो बचेगा सत्तर परसेंट उसको नाव में लोड करेगा किनारे का बालू तो आप जेसीबी से निकाल लेंगे आज ना टेक्नोलॉजी आ गई है आज भी जिस गांव में आप में से किसी गांव में बालू निकालते हैं नहीं ऐसे ऐसे ही ना है निकाल। हम लोग के कई सारे दोस्त हैं वो लोग बहुत बहुत बालू बहुत कर्मठ था तो लोग जिम उम करके ना बॉडी बनाता है अरे वो सब का तो ऐसे बालू उठा उठा के रख देगा किसी को धंस जाएंगे आदमी वहीं पे यहाँ पे बहुत करमठ बहुत मेहनती होता है मछली उछली वहां पे थक जाएगा अपना मछली बना के अपना खा लिया वहाँ पे नेचुरल भोजन है यहाँ पे तो बहुत मेहनती होते हैं तो सबके अपनी अपने अब हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी को बालू निकालने को धंस जाएगा आदमी अपने हम ही लोग को निकालना पड़ेगा कहाँ गया <laughs> तो मेढक किसे सांस लेता है लंग्स से किसे सांस लेगा लंग्स लंग आ गया कि नहीं आ गया है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना लंग्स से मेढक जब बरसात में पानी खत्म होता है तो वो क्या करता है हाइबरनेशन में चला जाता है हाइबरनेशन उस अवस्था कहते हैं कि जब आदमी एकदम जैसे हम लोग सोते हैं ना नींद सोते हैं तो एक तरह का समझिए कि वो हाइबरनेशन है हम लोग के लिए नींद सोने में बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है समझ थंगाएगी ना ऊर्जा के तो वो ना क्या करेगा मिट्टी के अंदर घुस जाता है मिट्टी के अंदर जब घुस जाता है तो उसको नाक से सांस लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा सांस ही नहीं ले पाएगा तो जैसे हम लोग के त्वचा में छेद होता है ना तो मेढक के त्वचा में छेद होता है तो हमारी छेद त्वचा की छेद से केवल पसीना निकल सकता है यहाँ से अंदर कुछ नहीं जा सकता लेकिन वो सांस भी खींच सकता है तो जो निष्क्रिय अवस्था कौन सा अवस्था निष्क्रिय अवस्था ठीक लिखा है जी निष्क्रिय एक में सब गया इसमें। देख रहे हैं निष्क्रिय अवस्था में किसे सांस लेता है स्किन इस से।, से इसे स्किन से स्किन से सांस लेता है तो मेढक एक ऐसा जीव है बेंग बेंगचा जो भी बोलिए इसको यह कैसे सांस लेता है तीन तरह से बचपन में बचपन में गिल्स टेडपोल होता है बचपन की अवस्था को इसको टेडपोल कहा जाता है तो यह श्वसन अंग है क्या ये श्वसन श्वसन अंग है मेढक का स्किन निष्क्रिय अवस्था में श्वसन अंग का काम करता है मेढक मछली में जो गलफड़ होता है ना अलग से फेफड़ा नहीं होता है मछली में अलग से फेफड़ा नहीं होता है मछली में वो गिल्स से, से क्या करती है मछली सांस लेती है ऐसे गिल्स से क्या करेगी सांस लेगी और सांस ले लेके अंदर वह भर लेगी तो मछली देखिएगा ना तो उसमें एक तो बलून टाइप का व्हाइट कलर का निकलता है उसको फोड़ते होंगे तो ये ऑक्सीजन गलफड़ छान के उसी में भर लेता है एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो उसी में से काम चला लेंगे समय आगे पर आगे बढ़ जाए तो ये सब श्वसन अंग है सब हम लोग का श्वसन अंग लंग्स चेंज हो सकता है नहीं हो सकता है श्वसन मार्ग देख लिया जो श्वसन अंग तो फेफड़ा सांस लेता है चूहा में गल देखिए देखी है हा? कोई भी बिलायती चूहा जो होता है सफेद का चाहे कोई भी सब, सब। कजुआ दोनों टाइप से ले लेता है लंग से भी ले लेता है वहां वहां पे से से लंग से, मेनली लंग्स एंड स्किन आगे बढ़े किसी को दिक्कत नहीं ना अब हम लोग देखते हैं श्वसन मार्ग हमें अपना श्वसन मार्ग से मतलब है हम लोग जो सांस लेते हैं श्वसन मार्ग तो हम लोग जब भी सांस लेते हैं सबसे पहले नास्ट्रल किसे न? नोज नास्ट्रल नासा छिद्र और नासा कपाट ये नास्ट्रल बोलते हैं यहाँ पे देखिएगा यहाँ हड्डी होती है एक तो यहाँ पे और बड़ी तेज चोट लगता है अचाक से मारिए फूट जाएगा अभी ये यहाँ पर समझा गया गांव में मार होता है तो यहीं पे मार देता है और फिर ओ रहन आता है घर में उनका लड़का भिनाश फोड़ दिया इसको <laughs> तो भिनाश बोलता है गांव में तो पहला बताइए नासा छिद्र पहला नासा छिद्र नासा छिद्र नोज बोलते हैं उसके बाद नासा का पार्ट नासा का पार्ट नासा का पार्ट नास्ट्रल यह है नास्टर नासा कपाट में म्यूकस होता है जो छिपछिपे चीप पदार्थों को रोक लेता है और नाक में बाल होता है नाक में क्या होता है बाल जो कि मतलब धूल कण को जाने नहीं देता अदरवाइज फेफड़ा खराब होने का डर होता है तो सांस ज्यादातर नाक से ही लेना चाहिए मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए हालांकि मुंह से भी सांस लेंगे ना तो ऐसा नहीं ये सारा गंदगी फेफड़ा में चल जाएगा इतना लार्वा है मुंह में और अंदर जाते जाते कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा चिपक जाता है तो नासा छिद्र नासा कपाट नासा छिद्र ये हो गया नाक नासा छिद्र और नासा कपाट यहां हो गया इसके बाद कहा जाएगा यहाँ पे मुंह के पास देखिएगा मुंह को ऐसे मुंह खोलेंगे तो मुंह के पास जो अंदर की दीवार होती है लास्ट जो दीवार होती है उसे कहते हैं फायरिंग्स लास्ट की अंदर की दीवार क्या, क्या होता है फायरिंग्स क्या होता है फायरिंग क्या होता है फायरिंग्स फायरिंग्स होता है तो बताइए इसके बाद कहां गया फायरिंग्स में क्या गया फायरिंग्स में कहा चला गया फायरिंग्स में फायरिंग्स के जस्ट नीचे गर्दन आ जाता है ये हो जाता है गर्दन इसे कहते हैं लैरिंग्स क्या कहेंगे लैरिंग्स इसे क्या कहेंगे लैरिंग्स के नीचे लैरिंग्स लैरिंग के नीचे लैरिंग लैरिंग्स होता है क्या होता है लैरिंग्स फायरिंग्स के नीचे लैरिंग्स 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 को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स कहा जाता है क्या कहा जाता है वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स यहीं से आवाज आता है देखिए अगर हम पे मारेंगे कुछ ही दाब दिए थे यहाँ से अगर दबा दीजिएगा किसी का तो, तो, तो क्या हो जाएगा मर जाएगा हम ऐसे लड़ाई झगड़ा में ऐसा नहीं करता अभी तो आप लोग का लड़ाई झगड़ा का उम्र खत्म हो गया बचपन में लड़ाई झगड़ा होता था सब में गर्दने उदने पकड़ लेता था तो ये क्या हो गया लैरिंग्स लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को अगर लैरिंग्स बहुत अच्छा है तो आपकी राग बहुत मधुर हो जाएगी आवाज बहुत मधुर हो जाएगा हमारी तरफ <laughs> खराब आवाज है मेरा <laughs> मेरा आवाज ही अजीब उठपटांग टाइप का है झंझनाहट है हमारी आवाज रीजन क्या है कि जब ये मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर लिखित में दिया था कि आपको ज्यादा नहीं बोलना है इतना पढ़ाना पड़ा इतना इतना ज्यादा गला हमेशा के लिए क्या कर दिया जवाब दे दिया आप अब ये राग कभी सही नहीं होगा समझ में एक तो मिल एक संगीतकार आए थे तो टीचर थे संगीत सिखाने के तो क्या हम संगीत सिखा देते हैं हमको सिखा देंगे <laughs> आप आपसे तो इम्पॉसिबल है आवाज में मेरे देखेंगे ना अजीब टाइप का झंझनाट रहेगा तो किसी भी चीज को देखिए भगवान ने जब गला दिया तो ये थोड़ी ना सोच के आपके पर्सनल काम के लिए दिया था बातचीत करना है बतियाइए ये सब माइक लेके पूरा पूरा, पूरा पूरा बतियाने के लिए थोड़े दिए थे यहाँ पर इसलिए थोड़ा तो सा गला में झंझनाट आ जाती है किसके वजह से आता है लैरिंग्स समझ आएगा कि नहीं आएगा कह रहा कोयल जैसा आवाज चढ़ा चढ़ा उसको चढ़ा दो बाबू देख रहे हो सब लड़का को नहीं चढ़ाना चाहिए वो चढ़वे नहीं करता नहीं अब काला खसी कोई कहेगा तुम मान लोगे <laughs> कोयल जैसा आवाज है मान लेंगे हम सब बेवकूफ बनाया जाता है किसको आपको पता ही <laughs> हाँ आप लोग को पता है कि नहीं <laughs> हाँ बस एकदम कैसन और है एकदम चढ़ा देना एकदम <laughs> आगे बढ़ जाओ <laughs> किसी को कोई दिक्कत नहीं ना तो बताइए हम लोग मुंह खोलते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई देता है फायरिंग क्या दिखता है फायरिंग के बाद दोनों अलग हो जाते हैं लैरिंग के बाद यहाँ से अलग हो जाता है सांस लेने वाला चला जाता है ट्रे किया और खाना खाने वाला चला जाता है आपका आयसोफेगस क्या चला जाता है ऑसोफेगस खाना खाने वाला आयसोफेगस तो लैरिंग्स के पास दोनों आते हैं सर लैरिंग्स के पास दोनों आते हैं इसलिए सांस शुरुआत में तो उसी नली से आपका हवा गया इसी नली से खाना गया इसी से पानी गया अलग कहाँ होता है लैरिंग्स के पास किसके पास अलग होता है लैरिंग्स के पास अब एक बात बताइए ये तो ससुरा पेट है ये क्या है पेट पेट है यहाँ पे आमा आमाश है यह क्या हो गया आमा यानी पेट हो गया ई ससुरा कस्टमरा पगलाया है फोन करता है एक नंबर चौदह से चालू होता है हाँ कस्टमर है चौदह से चालू ये क्या है भाई फेफड़ा ये कहां से जुड़ जाएगा फेफड़ा से जुड़ जाएगा लंग्स से ये किससे जुड़ेगा लंग्स से लंग्स से जुड़ेगा यहाँ पे अभी बताइए अगर हम खाना खाते हैं तो दोनों यहीं पे जाता है दोनों यहीं पे जाता है अगर आमासे में एयर चला जाए तो कोई तो दिक्कत नहीं है पेट में अगर पूरा हवा चला जाए जा, कोई दिक्कत नहीं लेकिन फेफड़ा में अगर खाना चल जाए जा तो अटक जाएगा हाँ अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे तो ये दोनों का रास्ता एक दिख रहा है दोनों का रास्ता एक है कि नहीं है अब यहाँ देखिए ये जब दोनों का रास्ता एक है तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा हो गया क्या समझ में आ रहा है कि नहीं इतना पे यहां पे दोनों का कॉमन है और यहीं पे रास्ता अलग हो रहा है यहां पे क्या जाएगा फूड इस साइड में क्या जाना चाहिए फूड साइड में एयर इस साइड में एयर जाना चाहिए एक साइड में फूड एक साइड में एयर समझ में नहीं आ गया फूड एंड एयर चलिए अब ध्यान देते हैं हम यहां तक तो दोनों सेम आएगा यहां एक अलग से एक अंग होता है जिसे कहते हैं ईपी ग्लोटिक्स क्या कहेंगे ईपी ग्लोटिक्स क्या कहते हैं ईपी ग्लोटिक्स अगर ईपी ग्लोटिक्स इधर घूमा तो क्या खाना जा पाएगा सारा चीज कहां चला जाएगा एयर में और ग्लोटिक्स अगर इधर गया तो इसको बंद कर देगा सारा चीज कहां चला जाएगा पेट में चला जिधर घुमा उसको बंद करेगा एयर वाले की ओर घुमा एयर को बंद करेगा खाना चला जाएगा तो जब हम किसी चीज को निगलते हैं किसी चीज को क्या करते हैं निगलते हैं खाना खाएंगे इसे निकलेंगे तो ईपी ग्लोटिक्स किधर मुड़ जाता है एयर की ओर एयर वाले पाइप को क्या करता है बंद कर देता है सारा खाना इसमें चला जाता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत है और जब हम सांस लेते हैं इधर हो जाता है सारा का सारा सांस कहाँ चला जाता है इसमें चला गया संगा है कि नहीं आ गया ये ई ग्लोटिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है कहाँ पाया जाएगा ये लैरिंग्स के पार। इसके बाद लहरिंग फायरिंग्स <laughs> तो दिखाई देता है मुंह का अंतिम दीवार जो होता है ना क्या होता है फैर कभी कभी सर्दी होगा खिखारियेगा ना तो में से आता है से, से देख सकते हैं देखेंगे अटकल है घींच रहे हैं पे कभी कभी ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो इसी में लेते हैं दोनों से जुड़ा रहता है नीचे क्या पाया जाएगा लैरिंग लैरिंग्स के पास ईपी ग्लोटिक्स लैरिंग्स के पास लैरिंग्स के पास ईपी ग्लोटिक्स लैरिंग्स के पास ईपी ग्लोटिक्स किसी को दिक्कत आगे बढ़े ईपी ग्लोटिक्स ईपी ग्लोटिक्स को कौन कंट्रोल करेगा ब्रेन हम लोग खाने के टाइम पे इतना ध्यान देते हैं क्या ई पी ग्लोटिक्स दो नहीं है कि बाय हम लोग तो धक्का धक खाते रहते हैं यहाँ पर खा रहे हैं धक्का धक और कंट्रोल कौन कर रहा है ब्रेन अब कई लोग क्या करते हैं खाते समय ब्रेन पे बहुत लोड दे देते हैं कुछ कुछ सोचने लगते हैं जरूरी काम इधर उधर इधर उधर अब ब्रेन किसको कंट्रोल कर रहा है ई पी ग्लोड साथ में पेट को भी कंट्रोल कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखना है रेनिन पेप्सिन देखना है ब्लड प्रेशर देखना है सब किसे देखना है ब्रेन को और आप खाइयो रहे हैं अब बेचारा ईपी ग्लोटिस को कभी दहीने कर रहा है कभी बाएं कर रहा है सांस तो चलते रहता है दहीने, भाए, दहीने भाए। अब ब्रेन आपका कर रहा है। आप ब्रेन को छु... खाली छोड़िएगा तो शांति से तब ना काम करे आप किसी और को सोच रहे कितना बढ़िया था चल गया सुरेंद्रा के मोटरसाइकिल <laughs> 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 तो आप लोग दूसरे को सोचते रहते हैं इधर ईपी ग्लोटिस की आने के भैया दाहिने मुड़े की बाएं मुड़े बता रहे भाई अब वो ईपी ग्लोटिस क्या करता है कंफ्यूज हो जाता है तो कभी आप खाना निकल रहे हो क्या निकल रहे हो खाना इसे मुड़ना चाहिए ताकि ये एयर पाइप को बंद कर सके ये कंफ्यूज हो जाके बीचे में छूट जाता है क्या हो जाता है बीचुए में छोड़ देता कहता तो भाई में जा तो नहीं तो ये सब पड़ल है यहाँ पे हम किधर जाए बताओ हमको दही दहीने पाए क्या और टेंशन में यार तो बीचे में छोड़ जाता है तो तनी सा खाना गया कहाँ पर एयर पाइप फूड पाइप में जाना चाहिए तो गया फूड पाइप में लेकिन थोड़ा सा हिस्सा कहाँ चल गया एयर पाइप कहाँ चला गया एयर पाइप में अब एयर पाइप में चला गया तो फेफड़ा दिखेगा ये रिच इधर आ रहा धकेला, भाग यांस, भाग का है, का है रहा? भाग यहाँ से भाग यहाँ से छोटा चोट्टा कहर कहाँ से तो जब वो ढकेलता ना ऐसे हिचकी आता है यहाँ पे अब बरियारे ढकेल देता है यहाँ पे समझ में आ गया और जब तक हंड्रेड परसेंट कन्फर्म नहीं होता है तब तक वो शांत नहीं होता मा ढकेल ढकेल के कहता है और ओरहन देता है ईपी ग्लोटिक्स को चट्टा कहीं का ध्यान दिया कर यहाँ पे इधर चला आएगा यहाँ पे फेफड़ा में यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं आ गया तो अगर ईपी ग्लोटिक्स कन्फ्यूज है तो आपको क्या आ जाएगा हिचकी आएगा तुरंत ढकेल देता है भाग यहां से छोटा कहीं का तो हिचकी तब आता है जब आप किसी को याद कर रहे हैं समझ आ गया कि नहीं आ गया ये गलत बात है कि आपको कोई याद कर रहा है आप स्पेशल है क्या कि कोई आपको याद करेगा कोई जन कितना है लोग को याद करने वाला नहीं समझ आया किसी को दिक्कत कभी कभी बिना खाई ही आ जाता है <laughs> तब कोई दूसर याद कर रहा है <laughs> कभी कभी हम लोग थूक वगैरह निकलते हैं ना जैसे थूक निकलेंगे ना ऐसे थूक निकलते रहते हैं तो क्या होता है ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है छोटे बच्चे को हिचकी ज्यादा आती है देखिएगा छोटा बच्चा जो होता है ना उसको हिचकी बहुत ज्यादा आती है क्योंकि उसमें लार ज्यादा बनता है बार बार उसको ढक लेगा उसका इपिग्लोटिस किया जाता है कंफ्यूज कभी कभी हम लोग इतना तेजी से खाते हैं दिमाग भी बिजी है हचाक से इतना तेजी से खाएंगे कि फेफड़ा को ढकेलने से पहले पहले की सब फेफड़ा में एंट्री मार देता है सब ढकेलते से पहले फेफड़ा में क्या करता है एंट्री मारता जाता है तो फेफड़ा फुल पावर से कहता है कि एकदम ढकेलता है दम लगा के मा, मारा है पे पर बकलो लिया तुम रख लो अपना कॉपिया बड़का पतीली लेकेले ले पानी पिए खाती यहाँ पे पढ़ा रहे होगा पतीली ठंडी के दिन में उतना बड़का पतीली कोने काम कर पानी पीने के लिए बताइए यहां जब अगर खाना प्रवेश कर जाता है तो उस स्थिति में ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा कि अभी इंट्री मारने वाला होता है तब प्रवेश कर गया तब जब प्रवेश तो खाना, खाना जो अंदर जा रहा था यहाँ पे अंदर गया ना दम लगा के आई धाए दे बाहर फेंक दे कहते सड़क गया रे यहाँ पे <laughs> समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुड़िया पे मारता है सब कि एने से प्रेशर मर लेता हम एन्ने से प्रेशर मारे अरे अस्थिर खा अस्थिर यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं ज्यादातर तो लिक्विड वाले चीज में ही अटकता है क्योंकि लिक्विड बड़ा तेजी से प्रवेश करता है तो अभी अगर उधर सोच रहा है कि चले क्या इधर ही कौन सी है यहाँ पे तो फेफड़ा कहेगा झांकना मत यहाँ से ढकेलेगा तो हिचकी आएगा तो इसे झांकेगा चले आए क्या तो ढकेलेगा अरे जा तो रहे क्या है इधर तो फिर ढकेगा अरे चाचा देखने दीजिए ना तो जब तक इसे जुड़ा ताकझाक करेगा तब तक क्या आएगा आए क्या आएगा हिचकी और अगर उसी में घुस गया ऐसा तो सड़कता है, में से देना। ख़ी ख़ी तो सरकता है कि लगता है कि ना बचेगा <laughs> होता है कि <गी> नहीं होता <laughs> एक बार हमको सड़क जाता हम जाम ना बचते तो हमें हो जाता है कभी कभी सड़क जाता है समझ में हिचकने क्या होता है गोटी इसलिए खाना खाते समय ब्रेन को शांत रहना चाहिए समझा रहा, रहा। नेक्स्ट क्लास कल समझा देगा फिजिक्स क्लास हम आप लोग का कल के कल क्लास में ले लेंगे ठीक है तीन या चार बजे ले लेंगे कल